वेलकम टू माय चैनल नेहा क्लासेस। और लास्ट टाइम हमने जिस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो के बारे में, है ना। और ये टॉपिक जो है अगर आप बुक में इसको समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेंथी लगेगा, कन्फ्यूजिंग बहुत लगेगा, लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा बहुत ही इजी तरीके से। तो आज हम इसको डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो डायकॉट का। एक एक करके समझेंगे कि डायकॉट में किस तरह से होता है, मोनोकॉट में किस तरह से होता है। तो मोनोकॉट का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, आज हम डायकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। तो इसे समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि एम्ब्रियो जेनेसिस क्या होता है। तो हम ये जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो जायगोट से एम्ब्रियो तक के बनने का ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। डाइकोट और मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस के जो शुरुआत के फेजेस होते हैं वो तो लगभग सेम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाता है उनमें अंतर आते जाता है। और नाम से ही समझ में आता है कि अगर मोनोकॉट है तो उसमें केवल एक ही कॉटिलेजन होगा और डाइकॉट है तो उसमें दो कॉटिलेजन होंगे। तो हम लोग सबसे पहले डाइकॉट का डेवलपमेंट देखेंगे एम्ब्रियो का। तो हम लोग जैसे ये जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में देखे कि फर्टिलाइजेशन से क्या बना था, जायगोट बना था। तो जायगोट क्या होता है कि जब उसे अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो अपने चारों तरफ एक रेजिस्टिंग वॉल डेवलप कर लेता है, एक रेजिस्टिंग वॉल डेवलप कर लिया जिसे हम ओ स्पोर कहते हैं। जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो डिवाइड होता है माइटोटिकली और टू सेल स्टेज में आ जाता है, मतलब दो सेल बनाता है। माइटोटिकली डिवाइड होकर के क्या बना रहा है, टू सेल स्टेज बना रहा है, दो सेल बना रहा है। तो जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल बनता है उसे बेसल सेल कहा जाता है और जो चैलेजल एंड की तरफ जो सेल बनता है उसे टर्मिनल सेल कहा जाता है। तो ये जो टू सेल है वो आगे प्रोसेस में ये भी डिवाइड होते हैं। हम दोनों सेल को अलग अलग तरह से पहले समझेंगे एक एक करके, दोनों को अगर एक साथ बताऊंगी तो आप कंफ्यूज होंगे, एक एक करके देखते हैं। तो जो बेसल सेल होता है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है और ट्रांसवर्सली जब डिवाइड होता है तो 7 to 8 सस्पेंसर सेल बनाता है। इस तरह से 7 to 10 सस्पेंसर सेल्स बनाते हैं। तो 7 to 10 सस्पेंसर सेल में जो सबसे ऊपर वाला सेल होता है, सस्पेंसर सेल, जो अपर मोस्ट सस्पेंसर सेल होता है, वो ग्रो कर जाता है और बड़ा होकर के ये होस्टोरिया बनाता है। और जो सबसे नीचे वाला जो सेल होता है वो डेवलप होकर के हाइपोफाइसिस बनाता है। तो इस तरह से बेसल सेल का क्या काम था, ये होस्टोरिया और हाइपोफाइसिस बनाना और ये सस्पेंसर सेल फॉर्म करना। जो टर्मिनल सेल होता है नीचे वाला जलजल पार्ट की तरफ जो टर्मिनल सेल होता है तो ये वर्टिकली डिवाइड होता है और वर्टिकली डिवाइड होने के बाद ये पहले टू सेल प्रो एम्ब्रियो में चेंज होता है, और ज़्यादा डिवाइड होता है तो 4 सेल प्रो एम्ब्रियो में चेंज होता है, देन उसके बाद 8 सेल प्रो एम्ब्रियो स्टेज में आ जाता है। तो ये 8 सेल जो प्रो एम्ब्रियो स्टेज होता है वो 2 टायर्स में होता है और हर टायर में 4 सेल होते हैं। तो एक जो टायर होता है वो रेडिकल फॉर्म करता है, एक प्लुमुली फॉर्म करता है। रेडिकल से रूट बनता है, प्लुमुली से शूट बनता है। नेक्स्ट स्टेज में इसके चारों तरफ में जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो करके डर्मेटोजेन फॉर्म करते हैं और डर्मेटोजेन जो होता है वो क्या बनाता है, इपीडर्मिस बनाता है। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। और बीच में क्या होता है, सेंट्रल मास होता है। ये और ज़्यादा डेवलप करता है तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और हार्ट शेप एम्ब्रियो में जो इसके उभार होते हैं वो जब और अंदर की तरफ जाते हैं तो ये हॉर्सू शेप में दिखने लगता है, इसे कहते हैं हॉर्सू शेप एम्ब्रियो। और इसमें ये जो एरिया है वो कॉटिलेडनरी प्रिमोडिया कहलाता है। जब ये और डेवलप होता है तो ये क्या होते हैं, अब हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं, हर पार्ट को कि कहाँ क्या बन रहा है। माइक्रोपाइल एंड की तरफ में हमने क्या देखा था, बेसल सेल से क्या बना था, होस्टोरिया बना था। नेक्स्ट उसके नीचे क्या थे, सस्पेंसर सेल थे।
और ये जो कॉटिलेडनरी प्रीमोडिया है ये डेवलप करने के बाद में इसमें जो कॉटिलेडन्स हैं ये अच्छे से डेवलप हो जाते हैं जो कि चैलेंजल पार्ट की तरफ रहता है। प्लूमिलेज है सूट फॉर्म होता है और ये जो है उसका हम इसको क्या बोलेंगे रेडिकल, ये क्या फॉर्म करता है रूट फॉर्म करता है। तो ये जो स्टेज होता है उसको हम लोग कॉर्डेड एम्ब्रियो कहते हैं। तो एक जायगोट से पूरे एम्ब्रियो तक के बनने का जो प्रोसेस था वो क्या कहला रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस। किसका एम्ब्रियोजेनेसिस डाइकोटिलेडन का एम्ब्रियोजेनेसिस।